दिल्ली का कनॉट प्लेस। ओ लगी एंड जोहार। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग अमित इक्का ने किया और इसे कुरुक वर्ल्ड के लिए लाया नेमहस इक्का जी ने। दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग शहर के व्यस्त जीवन से समय निकालकर शाम के वक्त या छुट्टियों के दिन अक्सर राजधानी की खूबसूरती का दीदार करने के लिए कनॉट प्लेस जाते हैं। मोटे मोटे खंभों पर खड़ी एक जैसी दिखने वाली सफेद मनमोहक इमारतें मन को भा जाती हैं। तरह तरह की सुविधाओं से लैस कनॉट प्लेस पर हमेशा ही टहलने वालों की भीड़ लगी रहती है। कनॉट प्लेस को अंग्रेजों ने 1929 से 1933 में जॉर्जियन स्टाइल में बनाया है। इसका आर्किटेक्ट एक अंग्रेज ने जिनका नाम रॉबर्ट टोर रसेल है ने किया था। इस मार्केट को तीन सकल में बांटा गया है। सबसे अंदर में पार्क, बीच में चौड़ी रास्ता और सबसे बाहर वाले सकल में मार्केट है। अंदर और बाहर वाले सकल को 7 रास्ते जोड़ते हैं और बाहरी सकल से कुल 12 रास्ते निकलते हैं जो पूरे दिल्ली को जोड़ते हैं। बाद में रीगल, रिवोली और प्लाजा 3 सिनेमा घर बने। कनॉट प्लेस को सीपी कहा जाता है और राजीव चौक के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान आर्थिक और बिजनेस हब के लिए प्रसिद्ध है। कनॉट प्लेस दुनिया में 9वां सबसे महंगा इलाका है। कनॉट प्लेस के निर्माण से पहले यहां घने जंगल थे और कीकर के पेड़ पाए जाते थे। इस जंगल में गिद्धों और जंगली सुअरों की भरमार थी। पक्षियों में तीतरों की संख्या सर्वाधिक थी।
सेंट्रल पार्क में हरे भरे पेड़ पौधे, फूलों की बगियां और फव्वारे हैं। सत्तर में यहां पालिका बाजार बनाया गया जो पूरी तरह भूमिगत मार्केट है और उसके ऊपर पार्क बने हुए हैं। आजकल सबसे मुख्य और भीड़ वाला मेट्रो स्टेशन राजीव चौक ही है। यह कनॉट प्लेस के नीचे जमीन के अंदर बनाया गया है। यह एक जंक्शन है और स्टेशन को तीन मंजिला बनाया गया है। येलो लाइन और ब्लू लाइन की रेलगाड़ियां यहां से चलती हैं। अगर आप कुरुक वर्ल्ड नमहे चैनल में नए दर्शक हैं या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हर नए वीडियो अपलोड की सूचना आप तक पहुंच सके। इंतजार कीजिए फिर एक नए वीडियो की, और तब तक के लिए ओ लग्गी।